हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बेसन की स्पेशल सब्जी बनाने जा रहे हैं। मेरा नाम है ममता और आप आए हैं ममता जी किचन में, तो आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, उसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बेसन हमारा जो है जो ज़्यादा गीला हो जाएगा, और इसको ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख रहे हैं इसमें पानी थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे इसमें। और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरीके से मिक्स करने में कम से कम 2-3 मिनट का टाइम लग जाएगा। मैंने इसे 2-3 मिनट तक मिक्स कर लिया है दोस्तों। देखिए इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं बिल्कुल। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाली है मैंने। इसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। एक प्याज डाल देंगे, मैंने इसे इस तरीके से लंबा लंबा कट किया है। अब हम इसमें ये भीगा हुआ बेसन के दाने डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में लो फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। रेगुलर चलाते रहेंगे ताकि बेसन नीचे चिपके नहीं। मैंने 4 से 5 मिनट दोस्तों इसको तेल में फ्राई कर लिया है। अब ये सिक चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब गैस की फ्लेम लो ही रहने देंगे और इसमें मसाले डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच मिर्च यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। और मसाले को 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। यह मैंने 4 से 5 6 कलियाँ यूज ली है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 3-4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। मसाला हमारा पकने लग गया है, पक चुका है। अब हम इसमें 1/2 गिलास छाछ डाल देंगे।
छाछ नॉर्मल होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। ये आधा गिलास मैंने छाछ डाल दिया है दोस्तों इसमें। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। ये मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है दोस्तों। अब हम इसको हाई फ्लेम पर रेगुलर चलाते हुए पका लेंगे। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बीच में, नहीं तो हमारी जो छाछ डाली थी इसमें वो फट जाएगी। इस तरीके से रेगुलर चलाना है इसको। सब्जी में उबाल आ गया है दोस्तों। अब हम इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 1 मिनट हो गई है दोस्तों। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी रेसिपी? आपको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।